अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मैं उसको मजीद पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो फुरकान बस सबके सामने अपनी असलियत बता दे। मेरा उससे कोई रابطہ नहीं है, वो मेरा भी फ्लैट बेचने के चक्कर में था, लड़ झगड़ के यहाँ से चला गया है। अशोक, खुशखबरी है, पुलिस असल मुजरिम तक पहुँच गई है, ये बताने के लिए उन्होंने मुझे कॉल की थी। तुम उसे ढूंढो जिसने गोली चलाई थी, और उसे तुम कहो कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, और अगर पकड़ा जाए तो हमारा नाम ना ले। मतलब आपको शक था कि कहीं वो भी? हाँ, उसके अलावा भी कई बातें। बाकी बातों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो इस केस में मुलविस नहीं है। कल तक सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, और हो सकता है कल ही घर खाली करना पड़े। फिर मुजरिम और कौन होगा? ये सब बिल्किस ने तो करवाया। ये फैसला तो पुलिस करेगी। यार, पुलिस के आसरे में मत रहना, वो तो बिल्किस से रिश्वत लेके किसी और को ही फंसा देगी। स्टेट एजेंट आया रूम देखने के लिए, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बाहर चले जाओ। आजे तुम, जिसके लिए सब कुछ बांट रही हो ना, वो आज तक किसी का नहीं हुआ, पछताओगी जरूर। मेरी बात याद रखना जारा, मर्द और औरत के जज्बात में यही बहुत बड़ा फर्क है कि मर्द हमेशा फायदे के लिए फैसले करता है और औरत अपनी मोहब्बत के लिए। मैंने ये फैसला तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम्हें आसानी हो, और अब तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करोगी सोलिया, क्योंकि हर बार मेरे ऊपर इल्जाम आता है। इंसान अपनों के सामने कितना बेबस हो जाता है ना, खुल के शिकायत भी नहीं कर सकता और वो ज्यादतियां भी नहीं गिनवा सकता जो उसके साथ की गई हैं। जो गुजर गया उसे दोहराने का क्या फायदा, अब तो आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। शुएब, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? देखिए, मुझे फुरकान नहीं मिल रहा है, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ये साबित करना चाहती हूँ कि आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है? जी, यही साबित करना है कि उससे मेरा कोई रिश्ता था ही नहीं।
ये सब करने की अब क्या जरूरत है? आपके पास अब कोई जवाब ही नहीं है जिससे मुझे यकीन आ जाए कि आपने कुछ गलत नहीं किया, और सबूत और हालात तो ये कहते हैं कि आपने बेवफाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। हैरत है ना, इसके बावजूद भी मैंने आपको तलाक नहीं दी। नहीं, मुझे कोई हैरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और जहां तक बात है यकीन की, तो आपको मुझ पे यकीन करना होगा। और आप तो उसकी बातों पे यकीन करके बैठे हैं जिसके हाथों लोग खिलौना बनते आए। सबसे बड़ी बदगुमानी आपके दिल में यही है ना कि मेरा फुरकान से ताल्लुक था। जब वो मिल जाएगा तो आपको यकीन आ जाएगा कि उसका ताल्लुक किससे था और कौन उसे मेरी जिंदगी में लेकर आया। उससे सबसे बड़ी भूल ये हुई कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया, आपको खोने से डरती थी। अब क्या चाहती हैं आप मुझसे? यही कि वो एक बार मिल जाए। मेरे पास ना तो उसका एड्रेस है ना ही उसका नंबर, और जहां वो रहता था वो वहां भी नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या आप नहीं चाहते कि मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं? और आपके दिल से वो सारा मैल धुल जाए जिससे आप मेरे नहीं रहे। मेरी असलियत तो जानना चाहते हैं ना, कि मैं धोखेबाज और बद किरदार हूं, यही साबित करने के लिए मेरी मदद कर दे। प्लीज श्वेत, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं करता हूं कुछ। थैंक यू। एक बात पूछूं? पूछो। आपको नींद आ जाती है मेरे बगैर? सो तो जाता हूं मगर शायद कुछ देर के लिए। मिस करते हैं मुझे? फोन रखता हूं, मिल गया तो बता दूंगा। कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। तुम बताओ, तुमने कैसे याद कर लिया मुझे? तुम्हारी याद आ रही थी। वाह, मर्दों के पास तो क्या खूब लफ्जों के हथियार होते हैं, और तुम्हारे पास तो कुछ ज्यादा ही। सच में तुम्हारी याद आ रही थी, और तुम्हें तो वो भी नहीं आई। देखो जुबैर, कोई भी इंसान ना सिर्फ एक ही बार धोखा खा सकता है, और दूसरी बार समझदार लोग खासतौर पर मौका नहीं देते। मुझे पता है तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। सब समझती हूँ मैं। देखो जुबैर, तुम्हारे वापसी के रास्ते सारे उसी दिन बंद हो गए थे जिस दिन तुम यहाँ से गए थे। तुम्हारी शादी की गलती तो शायद मैं माफ कर देती, लेकिन मैं तुम्हें कभी ये माफ नहीं करूंगी कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुम्हें तो मुझसे कभी मोहब्बत थी नहीं। बिल्कुल, ये किसने कह दिया तुमसे? मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। धोखा सिर्फ यकीन पर दिया जाता है, और जब असलियत सामने आ जाए तो सारा एतबार टूट जाता है। आज के बाद मुझे दोबारा फोन नहीं करना।
मैडम आज किफ़ायत इंडस्ट्री के सीईओ से आपकी मीटिंग थी, मैं सोचा आपको रिमाइंडर दे दूँ। हाँ मुझे याद है, लगता है तुमने जुबैर को बता दिया है कि पुलिस असल मुजरिम तक पहुंच गई। नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे, ना मेरी कोई बात हुई है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ मालूम नहीं है और मैंने तुम पर वाकई यकीन कर लिया है कि तुम मेरी कोई बात जुबैर तक नहीं पहुँचाओगे और तुम सिर्फ मेरे लिए काम कर रहे हो। जी मैडम बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा है और क्या है मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ वही बातें बताई थी जो मैं चाहती थी तुम जुबैर तक पहुँचाओ। तुमने ये काम खूब किया है अर्शद, तुम्हारे साथ साथ जुबैर उस मंजिल तक पहुँच गया है कि पुलिस उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लेगी, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में जा गिरा। मैडम वो मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है इसलिए तुम्हें भी बता रही हूँ। पर हाँ अब कहीं भागने की कोशिश नहीं करना वरना और फंस जाओगे। वाह बिल्कीस मैडम, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बुरा मानने को कुछ रह गया है क्या? अगर तुम चाहो तो सब कुछ वैसे हो सकता है जैसे पहले था। मसलन? मैं शेब को राजी कर लूंगा कि वो तुम्हें रख ले, मुझे यकीन है वो ऐसे ही करेगा। और इस सब के बदले में तुम क्या चाहते हो, क्योंकि तुम सौदेबाजी के अलावा कोई बात तो करते नहीं हो। बिल्कीस को जेल करानी होगी तुम्हें शुएब के हमले के केस में, सबूत मैं दूंगा तुम्हें। इसका मतलब तुम मान गए हो कि ये हमला बिल्कीस ने नहीं करवाया था? मैंने ये कब कहा? तो इस बात का और क्या मतलब हो सकता है, यही मतलब हुआ ना? असल में ये सब उसी ने करवाया, इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको जेल हो जाए। निकल जाओ मेरे कमरे से, गेट आउट। क्या हुआ जुबैर? आज तक जो होता आ रहा है वही हुआ, नया क्या होगा? क्या कहा सौलिया ने? क्या कही? तुमने मुझे कहा था जाकर उससे बात करो कि तुम सुहेब को समझाओगे, वो तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं उसकी सुलह करा रहा हूँ, तो इसमें मेरी कोई लालच होगी? इसका दिमाग ख़राब हो गया है परेशानियों की वजह से, पहचान ही नहीं रही उसे अपनों की। भाई समझाओ उसे, अगर वो इस तरह करती रही तो उसकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी, ऐसे भी लोग कितने उसकी ज़िंदगी में, भाई हम चंद लोग ही तो हैं जो उसके साथ मुखलिस हैं। अगर हम उसे दुश्मन लगने लगे तो सोचो सारी दुनिया दुश्मन लगेगी उसे। ये तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया उसे। तलाक की नौबत आ गई उसकी इस रवैये की वजह से, अगर वो अभी भी नहीं समझी तो कब समझेगी, एक तलाक हो चुकी है और दूसरी उसके सर पर लटकी हुई है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा। सारे मर्द शुएब जैसे नहीं होते जो उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाए। इतनी भी नादान नहीं है वो कि समझ ना सके। ठीक है लेकिन उसको समझाओ कि जब तक वो समझे ये ना हो कि कहीं बहुत देर हो चुकी हो। अच्छा आप छोड़ें, इसकी वजह से आप परेशान मत हो। अब एक ही घर में रहते हैं, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि परेशान ना हो। एनीवे मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं
देखो शुएब से बात करता हूँ, कहीं उसने वकील को तलाक के पेपर बनाने को ना कह दिया हूँ। मैं समझाता हूँ उसको। थैंक यू सो मच जुबैर, आप वाकई बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं आप। हाँ जाहिर है, तुमसे जुड़े हर रिश्ते का मुझे ख्याल रखना। अब मेरे बारे में कोई कैसी भी राय रखे, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और मैंने हर कीमत में ये रिश्ते निभाने। क्या सोच रहे हो शुएब? अभी तो आपका ही ख्याल आ रहा था कि आप पहुंचे नहीं अभी तक। हाँ, वो सौलिया से बात हो रही थी। क्या कह रही थी वो? छोड़ यार, ऐसी सुन के तकलीफ होगी तुम्हें। मजीद क्या तकलीफ होगी, पहले ही मैं तकलीफ में हूँ। वही कि किसी तरह शुएब को कायल करने में उसकी मदद करूँ। मुझे तो हैरत है यार कि वो उसे सौदेबाजी कर रहे, हालांकि वो जानती है हम दोनों भाई हैं, कौन का रिश्ता है हमारा। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इतनी आसानी से यकीन आ जाएगा और मैं सब भूल जाऊंगा? औरत की सबसे बड़ी खामी ये होती है कि खुशफहम होती है। उसे लगता है कि जैसे मैं सोच रही हूँ सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन मर्द हमेशा ही औरत से चलाक निकला है। लेकिन हम तो उससे कोई चलाकी कर ही नहीं रहे। लेकिन वो तो कर रही है ना यार, एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ वलगला रही है। आपको क्या वलगला रही है वैसे? वो चाहती है कि किसी भी कीमत में ये इल्जाम में अपने सर ले लूं, क्योंकि तुम मुझे माफ कर दोगे। और दूसरी चाल वो ये चल रही है कि फुरकान को राजी कर रही है कि ये सब करने पर मैंने उसे उकसाया है। पागल है वो क्या? आपने उकसाया है मतलब? पता नहीं, मतलब उसे लगता है कि अगर फुरकान ये सब एतराफ़ कर ले कि उसने ये सब मेरे कहने पे किया है तो वो बच जाए। अच्छा, इसलिए फुरकान को ढूंढने में मेरी मदद चाह रही है वो। एक तरफ वो तुम्हारी मदद चाह रही है और वो दूसरी तरफ मुझे कायल करने की कोशिश में लगी हुई है। फुरकान आपके रास्ते में है? उसके तो है, लेकिन शायद वो अभी ये सब मान नहीं रहा कि वो ये इल्जाम अपने सर ले ले। हम उससे किस तरह मिल सकते हैं? क्या पूछना चाहते हो उससे? जो वो नहीं बताना चाह रही मुझे। मेरे ख्याल में तो हमें सब पता है शुएब। मुझे नहीं लगता। क्या? मुझे लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, ढूंढ लेते हैं फिर फुरकान को भी। चाय, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ, वो तो मेरे भी हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में लोग ही कितने रह गए हैं सौलिया? एक शुएब जिसे तुम लड़कर आ गई, जुबैर तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं वो, और तुम्हारी सगी बहन, अब वो भी तुम्हें सगी नहीं लगती। तुम कोई पहली औरत नहीं हो जो अपने शौहर की जुबान बोल रही हो, और अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी उतारोगी ना, तब तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। मैं तो तुम्हें बार बार वही बात कह रही हूँ कि तुम्हें सिर्फ वो दिखाई दे रहा है जो तुम्हारा शौहर तुम्हें दिखा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि फुरकान तुम्हारी मदद करेगा, वो भी शुएब की गलत फहमी दूर करने के लिए? वो फुरकान जो हॉस्पिटल में तुम्हें छोड़कर भाग गया था, वो ये चाहेगा कि तुम्हारा घर बस जाए? तो जुबैर क्यों चाहेगा?
क्योंकि वो तुम्हारे बहनोई हैं। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और सोचा तो तुमने भी नहीं था ना कि वो तुम्हारे रिश्ते को कबूल करने से बार बार मना करेगा। तो फिर वो तुमसे जुड़े हुए रिश्तों के साथ कैसे मुखलिस हो सकता है? वो मुखलिस है अगर तुम अपनी गलत फहमियों से निकलोगे तो। गलत फहमियों से नहीं, खुश फहमियों से, क्योंकि जगह जगह तुम्हारे शौहर के बिछाए हुए जाल हमेशा मेरे पाँव में उलझ जाते हैं। तुम कभी नहीं समझोगी, लेकिन शायद तुम जरूर कभी ना कभी समझ जाओगी। और तुम बहुत जल्दी इन सब गलतियों के नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो। अभी भी तुम्हें लगता है कि कुछ भुगतना बाकी है मेरी जिंदगी में? अभी भी तुम किनारे पर खड़ी हो, अगर चाहो तो वापस मुड़ जाओ वरना डूब जाओ। अगर मुड़ने के लिए तुम्हारे शौहर की मदद चाहिए होगी तो मैं डूबना पसंद करूंगी, क्योंकि दोनों सूरतों में अंजाम वही होगा। ठीक है, फिर तुम खुद ही तैरना सीख लेना, और इससे पहले ये भी सोच लो कि तुम कहां जाओगी, क्योंकि ये घर तो बिक जाएगा। जुबैर तो आराम से हमारे लिए कोई ना कोई घर ढूंढ ही लेंगे, लेकिन तुम कहां जाओगी? अगर तुम कहो तो मैं जुबैर से कहूं कि तुम्हारे लिए कुछ छोटा सा फ्लैट ढूंढ दे। तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है,